दोस्तों आज की वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाली है जो भाई कतर जा रहे हैं, जॉब करने के लिए कतर जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू पास कर लिया, जो मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में कंफ्यूजन है कि भाई कतर का मेडिकल कैसे होगा, क्यों सी मेडिकल कैसे होगा, क्यों सी मेडिकल में खर्चा कितना आएगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है, किसी कंपनी की वैकेंसी आती है और इंटरव्यू में लिखा रहता है कि आप QVC पे नहीं जाने पे या अनफिट होने पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, यानी QVC होता क्या है। और आप जब कतर का मेडिकल कराने जाते हो, आप QVC मेडिकल कराने जाते हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप मेडिकल में फेल ना हो, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दूंगा। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ QVC मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है और किन बातों का ध्यान रखना है और आपका खर्चा कितना आएगा। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमने इंटरव्यू पास कर लिया है, हमारा कतर का मेडिकल आने वाला है, हमारा QVC मेडिकल होने वाला है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, QVC क्या होता है, कतर का मेडिकल कैसे होता है, कतर के मेडिकल का खर्चा कितना आता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि हमारे जितने भी भाई कतर जा रहे हैं उनका मेडिकल होने वाला है, उनको कतर के मेडिकल के बारे में जानकारी मालूम पड़े, QVC का क्या होता है इसके बारे में उनको जानकारी मालूम पड़े, और QVC में खर्चा कितना आता है उसके बारे में इनको जानकारी मालूम पड़े। तो अगर आप भी कतर जा रहे हो और आपका कतर का QVC मेडिकल होने वाला है, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों कतर का मेडिकल होता है QVC, मतलब कतर वीज़ा सेंटर। सबसे पहले आप जब किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे देते हो, तो आप इंटरव्यू पास करने के बाद ऑफिस वाले आपका कच्चा मेडिकल कराते हैं, ज़्यादातर 90% ऐसा ही होता है। दोस्तों आपको पता है जब किसी भी कतर की कंपनी का वैकेंसी आता है, तो उस पर जो वैकेंसी का लेटर रहता है उस पर क्या लिखा रहता है, QVC पे नहीं जाने पे या QVC में फेल हो जाने पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। उसका मतलब है कि अगर आपका QVC लेटर आ जाता है और आप QVC पे वहाँ पे मेडिकल कराने नहीं जाते हो या आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो, तो आपको 560 कतरी रियाल देनी पड़ती है, यानी इंडिया के कितने बनते हैं 10-15 हज़ार, जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर ऑफिस वाले क्या करते हैं, आपका पहले कच्चा मेडिकल कराते हैं, यानी आपका प्री मेडिकल करा के चेक करते हैं, आपका सीना चेक करते हैं और आपका ब्लड चेक करते हैं कि कहीं पर मेडिकल में फेल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए वो पहले ऑफिस वाले क्या करते हैं, प्री मेडिकल करा के चेक करते हैं। और जो प्री मेडिकल का चार्ज होता है वो इतना ही रहता है, 1000-1200 या लास्ट मान के रखो तो 1500 रुपये। लेकिन एजेंट और ऑफिस वाले क्या है, उस मेडिकल वाले से सेटिंग रखते हैं और कहीं पे 2000 लेते हैं, कहीं पे 2500 लेते हैं, कहीं पे 3000 लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली जो चार्ज होता है वो 1000-1200 या लास्ट मान के रखो तो 1500 ही है। आप कोशिश करें उनमें 1000-1200 रुपये दे के अपना काम करवाने की। दोस्तों प्री मेडिकल होने के बाद में आपका आता है QVC लेटर, तो आपको QVC ओरिजिनल लेटर और पासपोर्ट लेके जहाँ पे आपका QVC सेंटर जहाँ पे आया है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, जो भी उसमें टाइम और जो डेट लिखा रहता है उस डेट को वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। जब आप QVC सेंटर पे जाते हो तो सबसे पहले आपका वहाँ पे जो भी आपको एक स्लिप देते हैं और आपसे साइन करवाते हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई आप कौन से काम में जा रहे हो, आपका सैलरी क्या है, आपका ड्यूटी टाइम क्या है, और जो भी जानकारी वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आप कौन से ट्रेड में जा रहे हो, सारी जानकारी दी जाती है, आपसे साइन कराए जाते हैं, उसके बाद में आपको एक स्लिप दे दी जाती है, उसके बाद आपको बोल देते हैं कि वहाँ पर जाओ आप मेडिकल करवा लो। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है, सबसे पहले आपका ब्लड चेक होता है, ब्लड में जो भी है जैसे HIV है और अदर जाँचें, वो ब्लड की चेक करी जाती है, यानी आपका सबसे पहले ब्लड चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका चेस्ट चेक किया जाता है, यानी आपका सीना चेक किया जाता है। सीने में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो, आपको खांसी है, आपके अगर आप कफ है सीने में, तो आप कोशिश करें उसका पहले इलाज करा के जाए ताकि आप मेडिकल में फेल ना हो। आपको मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपको खांसी आ रही है, आपके सीने में कफ जमा है, तो आप पहले उसका इलाज करा के जाए ताकि आप मेडिकल में फेल ना हो। उसके बाद में आपका आँख का टेस्ट होता है। आँख के टेस्ट में क्या होता है, आपको जैसे एक प्लेट रहती है उस पर ABCD लिखा रहता है, वो आपको दिखाया जाता है। उसके बाद क्या रहता है, अब नंबर रहते हैं जिसे एक राउंड बना रहता है उस पर जो भी है, उसमें बारीकी से नंबर लिखे रहते हैं, उस पर नंबर के ऊपर कुछ दूसरा प्रिंट रहता है, उसके प्रिंट के अंदर नंबर लिखे रहते हैं, वो नंबर आपको बारी बारी से दिखा के जैसे इशारा करके भाई इसमें कितने लिखे, इसमें कितने लिखे। आप जल्दबाजी ना करें, आप आराम से जो भी आपसे पूछते हैं वो आप आराम से उनको जवाब दें, आप जल्दबाजी ना करें ताकि आप मेडिकल में फेल ना हो। उसके बाद में दोस्तों आपका जैसे आँख टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में आपका BP चेक किया जाता है, BP चेक करने के बाद में आपका वेट चेक किया जाता है, आपका हाइट चेक किया जाता है,
उसके बाद में कई बार क्या होता है, पेशाब चेक किया जाता है, कई बार पेशाब चेक नहीं किया जाता है। दोस्तों यही था कत्तर का मेडिकल, क्यूएसी मेडिकल क्या होता है, क्यूएसी मेडिकल कैसे होता है, मैंने आपको जानकारी दी। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कत्तर जो कत्तर का क्यूएसी मेडिकल होता है उसका चार्ज नहीं लगता है, वो जो भी कंपनी आपको बुला रही है वो उसका चार्ज देती है। आप कोशिश करें उनके पैसे ना दें, वहाँ पर क्या रहते हैं कई बार एजेंट रहते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा दे दे आपको पास करवा दूंगा, इतना पैसे दे दे पास करवा दूंगा, खर्चा पानी दे दे वो दे दे। तो आप कोशिश करें उनको पैसे ना दे, आपका मेडिकल कंपनी जितना भी खर्चा लगता है मेडिकल का वो जो कंपनी आपको बुला रही है वो देती है, आपका क्यूएसी मेडिकल का पैसा नहीं लगता। अगर आप कब किसी कंपनी में जा रहे हो तो, अगर आप किसी आज़ाद वीज़ा में जा रहे हो या जो भी अदर किसी कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ सकता है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको फिर से बता रहा हूँ, क्यूएसी मेडिकल का आपका खर्चा नहीं लगता, आपको जो कंपनी बुला रही है वो देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कत्तर का मेडिकल कैसे होता है, क्यूएसी क्या होता है, क्यूएसी में खर्चा कितना लगता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।